देखिए ये चीज़ कॉर्न नगेट्स कितने क्रिस्पी और कितने चीज़ी बने हैं। चीज़ बॉल्स या नगेट्स तो आपने बहुत खाए होंगे, पर इसका टेस्ट और फ्लेवर डोमिनोज जैसा, मतलब इसे ट्राई करना तो बनता है। सो हे गाइस, वेलकम टू शेलीज़ कुकिंग विंडो। आज मैं शाउट आउट देना चाहूँगी मित्रांदा डेरा यूट्यूब चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूँ तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अब बिना देर करे ये चीज़ी टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। और गाइस, वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं यहाँ मेंशन कर दूं कि टोटल 11 पीसेस रेडी हुए थे हमारे कॉर्न चीज़ नगेट्स के। तो सबसे पहले आपको ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे। जितने ड्राई आपके ब्रेड क्रम्स होंगे ना, उतने ही टेस्टी ये बनेंगे। आई नो, पर ये दिखने में ज़्यादा टाइट लग रही हैं। इनको मैंने ड्राई कर लिया था। इन्हें ड्राई करने के लिए आप इन्हें टोस्ट भी कर सकते हैं, या फिर इन्हें जस्ट थोड़ी देर के लिए सूखने दीजिए और ये ड्राई हो जाएंगी खुद। और अब मैं इसे मिक्सर में डाल के इसका एकदम पाउडर रेडी कर लूँगी। अच्छा, अगर आप बोलो कि मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है कि मैं पहले ब्रेड को ड्राई करने के लिए रखूँ, आप फ्रेश ब्रेड से भी ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, पर इससे थोड़ा क्या है, थोड़ा क्रिस्पी टेस्ट आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ ब्रेड क्रम्स रेडी हो चुके हैं, एकदम फाइन पाउडर रेडी हुआ है और आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर चीज़ी कॉर्न नगेट्स बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 3/4 कप कॉर्न, स्वीट कॉर्न, जिसे मैंने पहले बॉईल कर लिया था, और अब इसे मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा, इसका पेस्ट मत बना देना, मतलब कोर्सली ग्राउंड करना है इसको। इस तरीके से आप देख सकते हैं, मतलब पेस्ट नहीं बनना चाहिए, थोड़ा सा ग्राइंड करना है इसको बस। अब इन दोनों के बाद आपको 3 आलू लेने हैं उबले हुए, जिन्हें मैश कर लेना। अब इसमें डाल देना पिसा हुआ कॉर्न। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज, और अब इसमें थोड़े से कॉर्न डाल देंगे रेड चिली पाउडर, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, वैसे तो जितना आप स्पाइसी बनाना चाहते हैं। सॉल्ट टू टेस्ट और 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं। और इसके बाद इसका मेन इंग्रेडिएंट, जिससे बिल्कुल डोमिनोज वाला टेस्ट आने वाला है, वो है ओरिगेनो। 2 टीस्पून ओरिगेनो और 3 चम्मच भर के यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स डाले हैं। अगर आप फ्रेश ब्रेड के ब्रेड क्रम्स बना रहे हो ना, तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालना, तभी यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स यूज़ करे हैं। पता है, ऐसा करने से ना सबसे ज़्यादा टेस्ट आपको कॉर्न और ओरिगेनो का आएगा, तभी तो डोमिनोज जैसा टेस्ट आएगा। अब इन सभी चीज़ों को करना है अच्छे से मिक्स। तो यहाँ पर मैं अपने साफ सुथरे हाथों से इन्हें अच्छे से इकट्ठा करके मिक्स कर लूँगी। इस डो में कोई देसी टच मत देना, एक बार जब ये बन जाए ना, इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी आएगी ना, एकदम मस्त। अच्छा, बातों बातों में ये डो तो हो गया रेडी। अगर बाइंडिंग ना हो रही हो ना, तो थोड़ा सा आलू और ब्रेड क्रम्स और डाल लेना। अब इसे कोट करने के लिए एक सिंपल सा बैटर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून चावल का आटा, और हाँ, इसके ऑल्टरनेटिव मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिए हैं। और इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून पानी, मतलब मिक्स करके कंसिस्टेंसी चेक कर लेना एक बार फिर भी। अब इसे 2 मिनट के लिए साइड रख देना। और कोटिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लेक्स यूज़ किया है। ब्रेड क्रम्स के साथ भी कोट कर सकते हैं, पर कॉर्न नगेट्स बना रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है इसे। और अब जो नेक्स्ट चीज़ है, वो है हमारी फेवरेट चीज़। यहाँ पर मैं अमूल की प्रोसेस चीज़ यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो मोज़रेला या जो घर पे अवेलेबल हो वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और अब जो साइज़ आप रखना चाहते हैं, उस साइज़ में इसे कट कर लीजिए। तो अब आता है सबसे बेस्ट पार्ट, इसको हम इकट्ठा करेंगे और फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है बैटर, इसके अंदर 1 क्यूब को हम स्टफ़ कर देंगे, और अपनी मनपसंद की शेप आप दे सकते हैं, आप इसे राउंड भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे क्यूब की शेप दी है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है नगेट्स में। इसी तरीके से सारे बैटर में स्टफ़ कर लेंगे चीज़ को और नगेट्स को रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सारे नगेट्स इस तरीके से देख सकते हैं रेडी कर लिए हैं। और गाइस, स्लरी यूज़ करने से पहले इसे एक बार मिक्स कर लेना। और अब आपको एक नगेट लेना है, इसे डालना है स्लरी के अंदर और इसे अच्छे से कोट कर लेना। और इसे डाल देना कॉर्नफ्लेक्स वाले मिक्सचर में और अच्छे से कोट कर लेना। और ध्यान रखना कि आप एक हाथ यूज़ करना स्लरी के लिए और एक हाथ यूज़ करना कॉर्नफ्लेक्स के लिए, इससे प्रॉब्लम नहीं होती। और ये देख सकते हैं हमारा फर्स्ट पीस रेडी हो गया है। ये अभी से ही देखने में कितना क्रंची लग रहा है, तो ऑफ कोर्स फ्राई होने के बाद ये और भी क्रंची लगेगा। अच्छा, अगर आप सच में इसे बहुत टेस्टी बनाना चाहते हैं ना, तो इसको थोड़ी देर के लिए, लाइक 5-10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना। इतने में गैस पे तेल भी गर्म हो जाएगा, तो इससे क्या होगा कि ये बहुत क्रिस्पी भी बनेंगे और अंदर से चीज़ जो है वो परफेक्टली मेल्ट होगा। अब 10 मिनट हो चुके हैं, गैस का फ्लेम कर देंगे मीडियम टू हाई।
और अब हम इन्हें फ्राई करने के लिए डाल देंगे। एकदम से स्टर मत करना, थोड़ा सा इसे एक साइड से कुक होने देना, फिर इसे पलटना। और जितनी देर में ये फ्राई हो रहे हैं, तो गाइस प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ, तो प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। दोनों साइड से हमारे चीज़ी नगेट्स फ्राई हो चुके हैं अच्छे से, तो अब हम इसको निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पर। इसी तरीके से बाकी के जो बचे हुए नगेट्स हैं इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने चीज़ी बने हैं। अगर इनको देखकर आपको एक बार भी इसे खाने का मन किया हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और ज़रूर ट्राई करना इस टेस्टी रेसिपी को। तो देखिए हमारा दूसरा बैच भी रेडी हो चुका है, इसे भी मैं तोड़ के दिखाती हूँ ये कितने टेस्टी बने हैं। और ये बहुत गर्म है। ओके देखिए कितने ज़्यादा चीज़ी लग रहे हैं। अभी तो यहाँ पर मैंने प्रोसेस चीज़ यूज़ करी है, मोज़रेला यूज़ करेंगे तो और भी मस्त लगेगा। तो ये थे हमारे चीज़ी कॉर्न नगेट्स। ट्रस्ट मी बिल्कुल डोमिनोज वाला टेस्ट आएगा, खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी ना सच में। ओके तो आ जाते हैं शाउट आउट पर। अगर आप अपना नेम शाउट आउट करवाना चाहते हैं या यूट्यूब या इंस्टाग्राम का पेज शाउट आउट करवाना चाहते हैं, तो आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट जिसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि आपको शाउट आउट चाहिए। तो इसी तरह की और अच्छी रेसिपीज़ के लिए कर लीजिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।